उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद पुलिस ने देर शाम मुखबिर की सूचना पर संदिग्ध वाहन चेकिंग अभियान चलाया हुआ था। इस दौरान एक बाइक सवार बदमाशों को जब पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो बदमाशों ने खुद को घेरता देख पुलिस पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस ने जब घेराबंदी करते हुए आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की तो उसमें जहां एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया तो वहीं उसका एक साथी मौके से भागने में कामयाब हो गया। देखिए पूरी रिपोर्ट। अभी अभी तो सर मुठभेड़ हुई है सर कोतवाली चौक। तीन चेक कर लो। आज यहाँ बुडाना रोड पर थाना कोतवाली की पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि कल जो थाना क्षेत्र कोतवाली में लूट हुई थी उस लूट के अभियुक्त फिर से घटना करने के इरादे से शहर में आ सकते हैं। इसी सूचना पर विश्वास करते हुए पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी। एक मोटरसाइकिल पे कुछ लोग बैठे हुए आते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम ने जब उनको रुकने का इशारा किया तो वापस मोड़कर और भागने का प्रयास किया। एक अभियुक्त जो है उसमें से भाग नहीं पाया, वो जंगल की तरफ भागने की कोशिश कर रहा था। उसने भागते हुए पुलिस टीम पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में एक अभियुक्त को पुलिस की तरफ से जो फायर किया गया वो एक उसके गोली लगी है और इसमें एक अभियुक्त घायल हुआ है। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है। जब उससे जानकारी की गई तो उसने अपनी कल जो घटना की थी उसको कबूल किया है। उसके अलावा उसने बताया कि इसके पहले भी वो कई दफ़े चोरी और अन्य मुकदमों में जेल जा चुका है। ये प्रारंभिक तौर पर यह पता चला है कि लगभग 1.5 से 2 दर्जन के आसपास मुकदमे अन्य जनपदों में भी उसके खिलाफ पंजीकृत है। जो गिरफ्तार अभियुक्त है उसका नाम सचिन है और ये जनपद शामली के झिंझाना का रहने वाला है। बाकी इसमें अभी अन्य और जानकारी जुटाई जा रही है, जो भी जानकारी निकल कर आएगी उसके संबंध में आपको अवगत करा दिया जाएगा। बरामद भी क्या है? अभी उसके कब्जे से जो कल जो उसने जो चेन लूटी थी उसके साथ एक लॉकेट लूटा था, वो लॉकेट अभी इसके पास से बरामद हुआ है। चेन के संबंध में इसने बताया कि इसके दूसरे साथी के पास है। बाकी चीजों के बारे में अभी और तस्दीक की जाएगी और जो भी तथ्य निकल के आएंगे उससे आपको अवगत करा दिया जाएगा। उसने पुलिस पे जो फायर किया था वो तमंचा मौके से बरामद हुआ है। पुलिस की तरफ से भी 3 राउंड फायर किए गए थे। बाकी मौके से एक जिंदा कारतूस और 315 बोर का तमंचा मौके से बरामद हुआ है।